जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो उनसा है, एक तो स्क्रैपी का जो उनसा है वो क्रॉल स्पाइडर देखेंगे, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। पहले हम गेट रिक्वेस्ट करते थे, गेट रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स आता था, अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, देखेंगे आप, ठीक है। तो पहले बेसिक स्पाइडर एक बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम ये देखेंगे कि हमने अगर ऑटोमेटिकली कोई ऐसा वर्क आ गया जिसमें कह रहे जी पहले लॉगिन करें आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो टेस्टिंग वेबसाइट है कुछ भी आप यहाँ दे दें, थोड़ा लॉगिन करें आप, और लॉगिन करने के बाद एक वेबसाइट ओपन होती है उसको आपने स्क्रैप करना, ठीक है। तो कुछ इस किस्म का अगर आपको डेटा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फर्क देखो, जब आप लॉगिन होने के बाद जब आप मतलब इस वेबसाइट को देखते हो तो यहाँ पे देखिए लॉग आउट नज़र आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली अगर आप देखो वेबसाइट को, अगर आप ओपन करो code.scrap.com, देखें यहाँ पर, अच्छा पहले ऑलरेडी हुआ होगा लॉगिन में, यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में अगर आप देखो code.scrap.com में अगर आप करो, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, वेट कर लेते हैं। ये कौन सा मोड है ये आपने निकाला है? इनकॉग्निटो मोड है, या किसी ब्राउजर के जो राइट कॉर्नर पे क्लिक करो ना इनकॉग्निटो, तो यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रेश होता है, इसमें कोई आपके जीमेल वगैरह कोई ओपन नहीं होती, या कोई भी आप हिस्ट्री वगैरह इसमें आपकी नहीं पड़ी होती, यहाँ पे आप जो भी सर्च करते हो वो हिस्ट्री में भी नहीं जाती, और दूसरा हमारे कुछ पासवर्ड सेव वगैरह हुए होते हैं उस वजह से ओपन हो जाता है, तो इनकॉग्निटो मोड कहते हैं इसे। तो ये देखिए जैसे हम code.scrap.com ओपन करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, ये वाले पूछना, अच्छा जैसे code.scrap.com में जाते हैं यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आता है, इसका मतलब है कि अगर हमने लॉगिन कर लिया है इसका मतलब वेबसाइट पे हम लॉगिन हैं, इसलिए यहाँ पे लॉग आउट आ रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ से वेरीफाई करेंगे कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, जब यहाँ पे लॉग आउट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये लॉग आउट, ठीक है, तो दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे क्या code.scrap.com.login, हमेशा जो यूज़र है वो पासवर्ड रिक्वेस्ट होती है ना वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। अब हमें चेक करना है किसी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम F12 प्रेस करते हैं, F12 प्रेस करते हैं तो हमारे पास इस तरह आ जाता है, फिर हमें नेटवर्क पे जाना होता है, ठीक है। अब देखें इसको डाटा को रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैंने डाटा को रिफ्रेश किया हम देखें यहाँ पर आ गए, फिर देखिए code.scrap.com login रिक्वेस्ट की है सबसे पहले, ठीक है। अभी ये जोर से ना हो रहा है, लोड हो रहा है पेज, ठीक है। आई थिंक नेट का थोड़ा सा है प्रॉब्लम, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है शायद, आई थिंक तो या, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला रिक्वेस्ट किए इस पेज, इस पर क्लिक करें, ये देखें ये वाला जो है course.scrap.com login, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट कौन सी थी, ये गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसमें स्टेटस कोड क्या 200 मतलब आया, और ये इसका रिमोट एड्रेस है, ये इसके हेडर्स है जो इसके साथ ही, कभी कभी हमें हेडर्स भी साथ साथ भेजने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स। तो यहाँ पर ये चीज़ और ये रिस्पॉन्स हेडर है, मतलब वहाँ से जो रिस्पॉन्स में जो हेडर आए, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें रिक्वेस्ट हेडर की होती है जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो वही सेम गेट रिक्वेस्ट है जिसमें हम पहले करते हैं, जैसे हमने code.scrap को यहाँ पे हमने ये जो हम रिक्वेस्ट भेजते थे request.get, ठीक है, request.get, तो गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमेशा जब हम डाटा कोई फिल करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाटा फिल किया कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज़र नेम यासिर लिखा, पासवर्ड मैंने यहाँ पे यासिर लिखा, अब लॉगिन करूँगा तो हमेशा जो डाटा होता है ना फॉर्म का डाटा या आपने लॉगिन करना है वो हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट में जाता है, मैक्सिमम होता ही पोस्ट रिक्वेस्ट। क्यों पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि तो गेट रिक्वेस्ट हो ना तो यूआरएल डेटा हमेशा हमेशा यूआरएल में जाता है, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट में। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर ज़रा इतना सिक्योर डाटा नहीं होता, कोई भी जो उनसे ना उसको अगर कोई भी उसको देख रहा हो तो वो आपका आसानी से डाटा जो उनसे ना वो कैप्चर कर सकता है, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट में ऐसा जो उनसे ना पॉसिबल मतलब मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके कैसे रिक्वेस्ट, क्योंकि जब हम यहाँ पे यूजर पासवर्ड दे रहे होते हैं तो और भी बहुत सी चीज़ें सर्वर साइड पर जा रही होती है वो बॉट्स को रोकने के लिए, ताकि कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ना लॉगिन कर रहा हो, उसके लिए कैप्चा भी होता है, ठीक है, आगे लेक्चर में कैप्चा भी देखेंगे, कैप्चा को हम कैसे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो
और वो वेबसाइट्स हमें रोकेंगी कि आपने ऑटोमेटिकली जो सा सॉफ्टवेयर है वो लॉग इन ना करें, ह्यूमन लॉग इन करें, ठीक है। लेकिन अगर हम ह्यूमन से लॉग इन करें तो डाटा स्क्रैप करना हमें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, फिर मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब हम इसको लॉग इन करेंगे, जैसे ही मैं इसको लॉग इन करूँ यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट जनरेट होगी। जैसे मैंने लॉग इन किया देखिए एक रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। अब ये देखिए ये हो रहा है, तो हम जाके देखेंगे कि वो बेसिकली कौन कौन सा डाटा है जो कि इसके साथ जा रहा है, ठीक है। उसको हम पे लोड बोलते हैं कि पे लोड में कौन कौन सा डाटा जा रहा है, ठीक है। अब लॉग इन करती है, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये डाटा लोड होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जाते हैं, आई थिंक ये वाली रिक्वेस्ट है, ये वाली चेक कर लेते हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये गेट रिक्वेस्ट, अगर नीचे वाले लॉगिन पर क्लिक करूँ, हाँ ये देखें, अब आप एड्रेस पर जाएँ, ये देखें ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। ये किस पे रिक्वेस्ट गई है, coco.scribe.com लॉगिन पे ही गई है, ठीक है। और रिक्वेस्ट मेथड क्या है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, ठीक है। अब पोस्ट मेथड जब होता है ना तो हमारे साथ पे लोड आता है, देखिए यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, तो नीचे भी पहले नीचे आता था लेकिन अब ये यहाँ पे आता है पे लोड। पे लोड में ये तीन चीज़ें, देखिए मैंने यूज़र नेम क्या दिया था, यासिर दिया था, और पासवर्ड मैंने क्या दिया था, पासवर्ड मैंने यासिर ही दिया। और ये CSRF टोकन है जो ऑटो जनरेट हो रहा है, ये बेसिकली ये चीज़ हमें ना हमारे रोबोट को रोकेगी, ठीक है। तो हर दफ़ा ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अब हमने इस रिक्वेस्ट को ना ऑटोमेट करना है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ये काम करे, ठीक है। तो वो ऑटो लॉग इन करे, ठीक है। तो अगर आप, मैं दोबारा से आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये जो लॉग इन था इसमें देखिए हेडर्स और पे डायरेक्ट प्रीव्यू, कोई पेलोड नहीं नज़र आ रहा आपको, ठीक है। और रिक्वेस्ट भी क्या थी, गेट प्रीव्यू में जाए, ये आगे साथ ये चीज़ें दी हुई हैं, तो हेडर्स का देख रहे हैं कि पेलोड नहीं है। इसका मतलब है ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं, ये गेट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट हमेशा तो हमेशा यूज़ करते हैं जब हमने कोई डाटा भेजना हो सर्वर पे, जब हमने सर्वर से पे डाटा भेजना हो ना और फिर वहाँ से में रिस्पॉन्स आए, तो वो हमेशा हम कोशिश करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट करनी। तो वो हम यहाँ पे देखें, ये देखें ये लॉग इन की है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी, जहाँ देखिए इधर पेलोड आ रहा है, उसमें पेलोड नहीं था, इसमें पेलोड नहीं है, इसमें हम देखें तो ये पेलोड है। तो पेलोड में हमें पता चलता है चीज़ें क्या है, CSRF टोकन है बेसिकली। अब हमें इसी से और टोकन पहले गेट करना, ठीक है, और फिर हमें जो सा है यहाँ पर ये भेजना। अब देखिए ये पेज ओपन हो गया, यहाँ पे लॉग इन हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसको करना है ऑटोमेट, देख क्या करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने किया था बस सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, वो मैं बताऊँगा कहाँ पे गलती हो रही थी, तो जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो उसी तरह आपने जना पाईचार्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये स्पाइडर आपको पता ही है आप कैसे आपने कर लेना, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ तक प्रीवियस आप लेक्चर देखेंगे आपको पता चल जाएगा यहाँ स्पाइडर कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पर फिर इतना स्क्रैपी जेन स्पाइडर, बेसिक स्पाइडर ही बनाएंगे, ठीक है। और स्क्रैपी जेन स्पाइडर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉगिन स्पाइडर, ठीक है। वैसे जो मर्जी नाम दे, साथ आप वेरिएबल दे दें, सी वेरिएबल एक्स दे दें, वाई दे दें, जी दे दें, सी कोई वेरिएबल दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें पेड स्पाइडर लॉगिन स्पाइडर यूजिंग टेम्पलेट, बेसिक बेसिक टेम्पलेट का इसने बनाया, लेकिन चार टेम्पलेट्स होती हैं, आगे हम क्रॉल पर भी बनाएंगे, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, तो ये स्पाइडर को देखें, ये लॉगिन स्पाइडर हमारा बन गया। अब हम इसमें ये बेसिक स्पाइडर की हमारी सेटिंग, पहले नेम आता है, फिर अलाउड डोमेन्स आ गया, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमने किस पे लॉग इन करनी, किस पे हमने बेसिकली ये स्लैश लॉग इन वाली स्लैश लॉग इन, ठीक है, इसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लेना, कॉपी करके ये देखिए इस पे हमने रिक्वेस्ट भेजी। तो हम स्टार्ट यूआरएल पे भी भेज सकते हैं यहाँ, या यहाँ पे आप एक अलहदा से बना भी सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। दोनों से मैं चेक करके आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे मैंने जनाब इसको किया पेस्ट, ठीक है। अब स्टार्ट यूआरएल, अब इसका जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ना वो हमेशा यहाँ पास में आता है ऑटो रिस्पॉन्स। अगर मैं आपको चेक कराऊँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लूँ फ्रॉम स्क्रैपी डॉट डिटेल्स डॉट रिस्पॉन्स इम्पोर्ट ओपन इन ब्राउज़र, ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूँ ओपन इन ब्राउज़र रिस्पॉन्स। अब मैंने क्या कहा है कि यहाँ का जो ये जो रिक्वेस्ट गई है ना स्टार्ट यूआरएल हुआ, उसका जो रिस्पॉन्स है ना ब्राउज़र में ओपन करूँ, तो ज़रा पता चल जाएगा ये वर्किंग कर कैसे, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, चलाने का तरीका है स्क्रैपी
क्रॉल लिख ले या रन स्पाइट लिख ले, दोनों दोनों तरीके से चल जाएगा। ठीक है, तो क्रॉल के थ्रू चल जाते हैं। क्रॉल लिखेंगे तो डॉट पाई नहीं लिखना पड़ता, और डॉट पाई नहीं लिखना, रन स्पाइट लिखेंगे डॉट पाई लिखेंगे। ठीक है, तो हम रन स्पाइडर लिखते हैं, रन एसके रन स्पाइडर। तो स्पाइडर का नाम क्या है, लॉग स्पाइडर। तो LOG लिखे, टैब दबा दें ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी रन हो रहा है ये, और थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है अभी। नेट काफी ज्यादा स्लो हुआ चल रहा है। अच्छा, आप देखिए, ये देखिए, ये रिक्वेस्ट की है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट यूर रिक्वेस्ट की है, और ये इसका रिस्पॉन्स किस पे, बाई डिफॉल्ट पार्स पे रिस्पॉन्स आता है। तो ओपन ब्राउजर, मैंने से क्या है कि जैसे रिस्पॉन्स है तो मैंने ब्राउजर ओपन करना है और रिस्पॉन्स को ब्राउजर में चेक कराना है। उसने हमें रिस्पॉन्स चेक करा दी। देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, फाइल सी यूज़र ऐप डेटा। इसका मतलब है उसने सारा का सारा डेटा कहाँ रख दिया, लोकल हमारी कैशे में रखा हुआ है, सी ड्राइव में रखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे उसको रिस्पॉन्स को हमें दिखा रहा है। व्यू पेज सोर्स करें, बेसिकली ये HTML उसने स्टोर किया हुआ। ठीक है, जब ब्राउजर में ओपन करते हो इस तरह हमें शो हो जाता है, तो ब्राउजर हमें इस तरह करते दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आप डेफ रिक्वेस्ट कर लो, स्टार्ट रिक्वेस्ट। ये भी सेम फंक्शन है। आप अगर कहते हो स्टार्ट URL को मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी कंट्रोल फ्रंट स्लैश दबा दें, ये आ गया। अब मैं कह रहा हूँ जी स्टार्ट URL में मैं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या करो, यील्ड का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रैपी डॉट। बाई डिफॉल्ट रिक्वेस्ट कौन सी होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है। और यहाँ पर आप दे दो URL इज इक्वल टू, और यहाँ पे URL पेस्ट कर, या URL पेस्ट कर दो, ये यहाँ लिख दो URL इज इक्वल टू। ठीक है, या URL पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिखो URL इज इक्वल टू URL। ये भी सेम वही काम करेगा, मतलब आप स्टार्ट URL में दे दो या डेफ स्टार्ट रिक्वेस्ट फंक्शन बना लो। ये भी देखो, मैंने इसको कॉल बैक नहीं कर, कॉल बैक पार्स वन पार्स पे भेजा, ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट रिक्वेस्ट जाती है, बेशक वो स्टार्ट URL में दे दो, बेशक वो यहाँ पे स्टार्ट रिक्वेस्ट पे दे दो, वो उसमें जाएगी। ठीक है, उसको मैं चला के दिखाता हूँ दोबारा से। सेम उसी तरह लॉगिन पे जाएगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स ओपन ब्राउजर में आपको शो करवाएगा। ठीक है, तो अभी इसको चेक कर लेते हैं। जैसे बहुत तेज प्रोसेस होता है ये, नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है, यूट्यूब की तो शायद वीडियो ही कोई ना ओपन हो, इतना स्लो नेट चल रहा है। ठीक है, अब देखें ये इसने ओपन किया, उसी तरह सेम कर दिया। ठीक है, देखें आप। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली यहाँ पे तो रिक्वेस्ट चली गई। अच्छा, यील्ड लिखना लाजमी है, अगर आप यील्ड नहीं लिखोगे ना फिर नहीं जाएगी। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब देखना, अब कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। देख, उसने क्या दिया, जब कोई ना कोई एरर दे दिया, रिक्वेस्ट गई ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यील्ड लिखना लाजमी है, यील्ड लिखने आप। ठीक है, तो यील्ड लिख, यहाँ पे यील्ड लिखने की जरूरत है, तो यहाँ पे बस डायरेक्ट स्टार्ट यूआरएल देंगे, ट्रैक उसका जो है कॉल बैक किस पे आएगी, पास बैक। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि इसका कॉमा, ये पैरामीटर भी होता है, कॉल बैक इक्वल टू सेल्फ डॉट पार्स। आप बेशक ये लिख दो, सेम यही बात है, लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं सेल्फ डॉट पार्स पर ना जाए, बल्कि सेल्फ डॉट पार्स वन कोई फंक्शन आपने बनाया है उस पर जाए, तो फिर आप इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते, मर्जी आपकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ डॉट पार्स, तो फिर भी सेम उसी तरह ही काम करेगा। ये कॉल बैक क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो ना, इसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो सेल्फ डॉट पार्स इस फंक्शन को भेज रहा है, इस फंक्शन को इसका रिस्पॉन्स भेजना है, फिर ओपन ब्राउजर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के साथ जो भी आप करना चाहें। ठीक है, तो सेल्फ डॉट पार्स आप फंक्शन, यहाँ तक आप हमने कर लिया, तो सिंपल हम पहले करते हैं। अब बात ये, हम कहते हैं कि जब ये रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, और ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन वाला, ये वाला लॉगिन वाला पेज जो है, ये लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने यूज़र नेम पे कुछ लिखना है, पासवर्ड पे लिखना है, और लॉगिन के बटन पे क्लिक भी करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक होती है रिक्वेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रैपी डॉट फॉर्म रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसको फॉर्म रिक्वेस्ट कहते हैं कि ये फॉर्म है, ठीक है। अब जब इसमें दो पैरामीटर है, पासवर्ड हो या बहुत बड़ा फॉर्म हो जो हमने फिल करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन कह दिया हमें फॉर्म फिल करवाने हैं, 1 लाख फॉर्म फिल करवाने हैं, ठीक है। तो हम रैंडमली कोई भी इंफॉर्मेशन देकर तो फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ये आप लिख लें, ठीक है, फॉर्म रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या कि फॉर्म रिक्वेस्ट भेजो, लेकिन कहाँ से भेजो, जो रिस्पॉन्स आया ना, ये वाला जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि इस पर हमने पहले रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, ये रिक्वेस्ट भेजी है तो ये रिस्पॉन्स आया। तो वो कह रहा है कि फॉर्म रिक्वेस्ट हमने भेजी है, कहाँ से, फॉर्म रिस्पॉन्स है, और इसका पहला पैरामीटर क्या देना है, रिस्पॉन्स, यही रिस्पॉन्स वाला पहला पैरामीटर फॉर्म रिस्पॉन्स। और फिर दूसरा कौन सा होगा, ये यहाँ पे आ गया, फॉर्म डेटा होता है आई थिंक, ये पेलोड होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे शायद आ गया फॉर्म डेटा, ठीक है। तो फॉर्म डेटा हमेशा किस में जाता है, फॉर्म डेटा हमेशा डिक्शनरी में जाता है। तो या आप डायरेक्टली स्पेसिफाई कर लो, या आप यहाँ पे कोई डिक्शनरी बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बना लेता हूँ डेटा के नाम से, तो डिक्शनरी बना ली, एक यूज़र नेम और पासवर्ड। सबसे पहला क्या है, यूज़र नेम, और यूज़र नेम कोई भी मैं दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यासर दे दूँ, क्योंकि ये डमी वेबसाइट है, अदरवाइज हमें यूज़र नेम प्रॉपर देना पड़ेगा। तो पहला की वैल्यू यूज़र नेम वैल्यू होगी यासर, और दूसरी की कौन सी है, पासवर्ड। अब ये मुझे कैसे पता है कि पहला यूज़र है में दूसरा पासवर्ड है, वो आपने वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे आपने व्यू पे सोर्स से करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखना है कि, या आप इस तरह करना मुश्किल लग रहा है तो आप अगर इधर इधर ज़रा इजी हो जाता है, F12 करके लॉगिन पे अगर मैं क्लिक करूँ, लॉगिन पे, ठीक है, तो ये आ गया। अब मैंने देखना है इसका नाम क्या, तो इधर आप क्लिक करके इधर आप जो टेक्स्ट करेंगे डायरेक्ट उस पर जाएगा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास फॉर्म, आईडी, यूजर नेम, और यूज़र नेम क्या है, नेम देखना है, नेम क्या है, यूज़र नेम। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यूज़र नेम, यूज़र नेम कोई भी आप दे दें। और सेकेंड कौन सी है, सेकेंड क्या है, इनपुट टाइप पासवर्ड, क्लास ये, और नेम क्या है, ये पासवर्ड, PAWS, ये सेम होना चाहिए। तो ये हमने क्या दे दिया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे हमने दे दिया पासवर्ड, की दे दी, और वैल्यू हमने क्या दे दी, वैल्यू हमने यासिर दे दी, ठीक है। तो क्योंकि ये डमी है, यासिर यूज़र ने पासवर्ड जो भाई, लेकिन एक चीज़ मिशिंग, अब यहाँ पे फॉर्म डेटा देते हैं डेटा, ठीक है। और तीसरा हमने इसको क्या पैरामीटर देना है, तीसरा, क्योंकि पहला तो था, तो वो डायरेक्टली जो रिक्वेस्ट जाती है वो डायरेक्टली किस पे, उस पे जो रिक्वेस्ट जाती है उसका रिस्पॉन्स किस फंक्शन को आता है, वो डायरेक्टली पास पे आता है। लेकिन जो सेकेंड हम रिक्वेस्ट करेंगे स्क्रैपिट ऑफ फॉर्म रिक्वेस्ट, इसका जो रिस्पॉन्स है वो किस पे आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ लिखना है कॉल बैक इक्वल टू सेल्फ डॉट PAR पास, या आफ्टर लॉगिन जो नाम रखना चाहो आप, आफ्टर अंडरस्कोर लॉगिन जो नाम आप रखना चाहो फंक्शन का, सेल्फ डॉट पास वाले। अच्छा, कल हमारे पता क्या गलती होती, कॉल बैक की बजाय यहाँ मैंने कॉल एबल लिखा हुआ था, ये गलती हो रही थी, बाकी सब हमारा बिल्कुल ठीक वर्किंग हो रही थी। तो यहाँ पर आगे, अच्छा यहाँ पे झील लिखना जरूरी है, क्योंकि ये फिर दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। पहले ये रिक्वेस्ट गई, इसके पहले लॉगिन वाला पेज ओपन हुआ, पेज ओपन हो गया, फिर डाटा जाएगा और ये झील रिक्वेस्ट जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, हमें यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मेथड कौन सा है उसका। अच्छा, ये जब चली जाएगी तो फिर कौन सा मेथड है, आफ्टर लॉगिन एक मेथड बनाना है, उसमें आपने क्या करना है। तो यहाँ पे हम एक और मेथड बना लेते हैं, डेफ आफ्टर स्कोर LOG लॉगिन सेल्फ और रिस्पॉन्स, जो वहाँ से आएगा, और फिर क्या करो, ओपन इन ब्राउजर, हमें वो रिस्पॉन्स शो करवा, जब ये रिक्वेस्ट की है तो फिर उसके बाद कौन सा फॉर्म ओपन हुआ, ठीक है। अभी एक चीज़ मैंने मिसिंग रखी हुई है, लेकिन अभी ट्राई करते हैं कि होता है या नहीं होता, क्योंकि मेरे कैशियर ने शायद रखी हुई है, लेकिन एक चीज़ में मिसिंग है, वो भी कर लेते हैं।
मिसिंग क्या चीज़ है कि जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी एक यूज़र ने पासवर्ड हो जाएगा, साथ से एक CRSF टोकन भी जा रहा है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक हर दफ़ा नया जनरेट होता है। अगर आप ये लॉगिन वाला पेज है, इसी को व्यू पेज फोर्स करो, तो यहाँ पे देखो CSRF टोकन ये आ रहा है, उसकी एक वैल्यू आ रही है। इसको अगर रिफ्रेश करो ना आप, देखिए आप KEYS लिखा हुआ है इन पर। अब दोबारा इसको करें, यहाँ पे देखिए KVT, अब दोबारा, तो हमेशा ये चेंज हो रही है हर दफ़ा। तो हर दफ़ा ये जब चेंज होती है ना, जब यूज़र ने पासवर्ड, तो CSRF टोकन की वैल्यू भेजनी होती है। तो जब बॉट होता है ना, बॉट बॉट को क्या करता है, बॉट ने पहले हमने वैल्यू उससे लेनी है, ठीक है, फिर उसके साथ जो फॉर्म रिक्वेस्ट पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, तो साथ हमने वो वैल्यू भी भेजनी है, ठीक है। वो हमने जो जहाँ पे देखी थी ना, इधर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नेटवर्क पे जाके मैंने आपको यहाँ पे सॉरी दिखाई भी थी, यहाँ पे ये कहाँ पे थी, यहाँ मैंने आपको ये मैंने दिखाया था आपको पेलोड में। तो एक यूज़र नेम पासवर्ड साथ CSRF टोकन भी जा रहा है, ये ऑटो जनरेट हो रहा है। तो ये पहले हमें, ये अब हम कैसे भेजेंगे हम, चलो ठीक है यूज़र ने भेजने पासवर्ड, टोकन तो भेज नहीं रहे, तो टोकन सबसे पहले जब ये रिक्वेस्ट गई है तो उसका जो रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, कैसे गई है, सबसे पहले इधर रिक्वेस्ट जब गई है लॉगिन पे, रिक्वेस्ट जैसी जाती है तो एक नया टोकन जनरेट हो जाता है, वही टोकन वो भेजता है। तो वो पहले वैल्यू गेट कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वो बनाएंगे इसका, इसको हम अगर एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ पे हम CSRF टोकन देखें, ये CSRF टोकन है, ठीक है, तो हम इसकी एक्स पाथ बना लेते हैं। एक्स पाथ इसका क्या बनेगा, नेम क्या है CSRF टोकन, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, और ये बेसिकली क्या है, ये एट्रीब्यूट वैल्यू है, एट द रेट क्लास लिख के CSRF टोकन लिख के, इसी तरह आपने पूरे पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करा, डबल स्लैश के पास स्टैरिक लगा पूरे डॉक्यूमेंट में, और हमने क्या CSRF टोकन फाइंड करना है, तो हमने ये ब्रैकेट लगानी है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये वाली ब्रैकेट लगानी है, यहाँ लिखना है एट द रेट, कभी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है तो एट द रेट लिखना है, एट द रेट लिख के इसका नाम लिखना है CSRF टोकन। तो इसका मैं रख दिया CSRF टोकन, नहीं होगा ये नहीं होगा, नेम अगर उसका हो, हमें लिखना है कि एट द रेट नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू हो अगर CSRF, ये होना है, तो ये उसका एट्रीब्यूट नहीं है नेम, तो अगर एट द रेट नेम इज इक्वल टू, जिसमें एट द रेट क्लास लिखते थे ना, क्लास अगर हो, क्लास भी एक एट्रीब्यूट ही है, ठीक है, इसी तरह नेम है, तो क्लास हो, नेम हो, आईडी हो, जो भी हमने एट द रेट लिखा होता, तो आगे हम लिखते हैं ये शायद एट द रेट आईडी के लिए शायद हैश है, और बाकी आपने क्लास लेनी है कोई और है, ठीक है, तो उसके लिए नेम है, तो नेम क्या बराबर हो, जिसके नेम से पूरे डॉक्यूमेंट में जिसका एट्रीब्यूट का नेम से सिर्फ टोकन होना, उसकी वैल्यू क्या करनी है, गेट करनी है, ठीक है, और उसकी क्या करनी है, हमने वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। अब वैल्यू गेट करनी है, जब एट द रेट HRF लिखते थे ना, इसलिए हम वैल्यू लिखनी है, तो एट द रेट क्या लिखेंगे, वैल्यू, तो इसकी क्या होगी, ये जो वैल्यू है ना, ये गेट होके हमारे सामने आ गई। सबसे पहले क्या है, ये जो उनसे ये सिलेक्टन है कि सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करके फिर वैल्यू क्या गेट करनी है एट द रेट। ये अगर आप मेरा पुराना लेक्चर देख रहे हो ना, उसका एक्स पाथ वाला, तो अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही तो वो आप में सारा मैंने उसमें बताया था। अच्छा, ये हमारा एक्स पाथ बन गया, उसको हमने कॉपी कर लिया, अगर आपने देखना है तो शेल करके आप उसको ओपन करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं एक दफ़ा शेल करके उसको चेक भी कर लेता हूँ, तो स्क्रैपिंग शेल लिख दो, और डायरेक्टली भी हम ओपन कर सकते हैं, इधर भी आप डायरेक्टली URL दे दो ना, फैच कर से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, कि पहले आप उसको ओपन करके फिर आप फैच कर लो, या डायरेक्टली आप इस तरह करके एंटर कर दो, तो फिर भी आप कर सकते हो इसको, अब डायरेक्टली उसने फैच कर लिया, ठीक है। तो अगर आप देखना चाह रहे हो उसका रिस्पॉन्स, तो व्यू रिस्पॉन्स इस तरह हम करेंगे ना, तो ब्राउज़र में रिस्पॉन्स दिखा देगा कि ये देखिए ये लॉगिन हुआ, ठीक है, यहाँ पर। तो अब हम करते हैं, अब इन्हें रिस्पॉन्स ले लिए, तो अब हम करते हैं रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आया है उसका एक्स पाथ जो सा है, वो अगर ये एक्स पाथ हो तो डॉट गेट इसका जैसे स्क्रैपी में होता है डॉट गेट, बाकी जो ब्यूटीफुल शोप है उसको हमें अपने तरीके से करना पड़ता है, डॉट गेट आ गया कहीं से। अच्छा,
यहाँ पे एक्स पाथ नहीं पेस्ट हुआ बेसिकली, यहाँ पे देखिए मैंने वो कोड डॉट स्कैप डॉट कॉम पेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे मैंने एक्स पाथ करना है, कहाँ से गया एक्स पाथ, ये एक्स पाथ मैंने कॉपी करना है और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर डॉट गेट। अब मैं हाँ इसमें क्योंकि देखिए यहाँ पे, वहाँ पे डबल डॉट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सिंगल डॉट लगाना है, सिंगल कोटेशन मार्क लगाना चाहिए मुझे, वो डबल कोटेशन मार्क को ना फिर वो डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू ले लेता है। अब आप उसको एंटर करें, अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल जब गई है ना रिक्वेस्ट तो ये CRSRF टोकन जनरेट हुआ, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया, इसी को अब कोड में रेप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट गई है उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है उसका जो टोकन है, या CSRF टोकन लिखो जो मर्जी लिखो, तो रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ ठीक है, और यहाँ पर एक्स पाथ में ये चीज़, और फिर ये उसी तरह डबल डॉट सिंगल करना है, और यहाँ पर भी हमने फिर क्या, यहाँ पर भी हमने करना है सिंगल करना है, और यहाँ पर हमने क्या कर देना है डॉट गेट। अब डॉट गेट क्या करेगा, ये जो CSRF वैल्यू टोकन में आ जाएगी ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, और फिर सबसे पहले आई थिंक वो भी शायद इसमें देखते होंगे पहले वैल्यू क्या जा रही है, सेकंड क्या जा रही है, तो हमने रिक्वेस्ट में देखा था सबसे पहले वो टोकन की वैल्यू भेजता है, कहाँ गया यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पहले टोकन की वैल्यू जा रही है CSRF टोकन, CSRF प्लस को टोकन पे यूज़र नेम और फिर पासवर्ड, तो हम उसी तरह दे देते हैं कि सबसे पहले ये जो हमने डाटा बनाया है हम यहाँ दे देते हैं, वही लिखेंगे CSRF अंडरस्कोर टोकन की है और वैल्यू क्या है, ये वाली टोकन जो ऑटो यहाँ पे आएगी जब रिस्पॉन्स आएगा तो ऑटो गेट करेगा ये, और फिर कॉमा लगा दें। सबसे पहला हमारा ये पैरामीटर होगा, पहले ये पेलोड में एक ये वैल्यू जा रही है, दूसरी यूज़र नेम जा रही है, तीसरी पासवर्ड जा रही है। अब हमने ये लगा दिया स्क्रैपी डॉट फॉर्म रिक्वेस्ट, कि फॉर्म रिक्वेस्ट वैल्यू कहाँ से, फॉर्म रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आया ना उस पे हमने क्या भेज, देखिए यहाँ पे मैंने कहीं भी पोस्ट मेथड की स्पेसिफाई किया कि मेथड गेट है पोस्ट है कोई भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि फॉर्म रिक्वेस्ट जो उनसे ना पोस्ट रिक्वेस्ट ही होती है। और फॉर्म डेटा मैंने क्या, दूसरा पैरामीटर क्या है जी, पहला रिस्पॉन्स है इसका जो रिस्पॉन्स है वो, दूसरा फॉर्म डेटा है, और फॉर्म डेटा में मैंने क्या डायरेक्टली यहाँ पे आप डिक्शनरी बना सकते हो, यहाँ पे आप अलहदा से बना सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर होता है, उसको वेरिएबल दे दिया डाटा, फिर कॉल बैक, कल क्या प्रॉब्लम आ रही थी जो नहीं होती, या कॉलेबल आ रहा, अगर आप इसको सिर्फ कॉल लिखते हो ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है कॉलेबल ठीक है, तो कॉल बैक, ये कॉल बैक वाली गलती, और कॉल बैक के बाद इक्वल टू सेल्फ डॉट आफ्टर लॉग इन, आफ्टर लॉग इन लिख दो, पास वन लिख दो, अली यासिर कुछ भी लिख दो यहाँ पे, लेकिन हम कहते हैं कि वही फंक्शन का नाम लिखा जाए जो कि पता चले, इसका मतलब है कि लॉग इन होने के बाद हमें जो आएगा, तो सेल्फ डॉट आफ्टर लॉग इन का ये ऑब्वियसली फंक्शन का नाम बता रहा हूँ कि जब ये रिक्वेस्ट इसको जाएगी तो उसका रिस्पॉन्स आपने इस फंक्शन को भेजा है, तो अब ये फंक्शन आ गया आफ्टर लॉग इन, और ये सेल्फ और रिस्पॉन्स ये मैंने खुद बता दिया कि सेल्फ ये और रिस्पॉन्स मतलब जो उससे रिस्पॉन्स आएगा, और फिर उस रिस्पॉन्स को अपने ब्राउज़र में ओपन करना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी ओपन इन ब्राउज़र कर देता हूँ ठीक है। अब दो ब्राउज़र हो, पहले रिक्वेस्ट जाएगी तो पहले लॉगिन वाला पेज ओपन होगा, वो ओपन इन ब्राउज़र में इसका इस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ शो करेगा, फिर यहाँ पर ये वाली जो रिक्वेस्ट जाएगी इसमें हमारा ये डेटा भी साथ जाएगा, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर होगा। तो अब इसको चला के देखते हैं, वही स्क्रैपी रन स्पाइडर हो ये एंटर करते हैं ठीक है। तो अब ये रिक्वेस्ट जा रही है, ये कही है पहला ओपन हुआ और ये सेकंड ओपन हुआ, और यहाँ पे गलती आ गई ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आया, अभी आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। पहला देखिए, पहला जैसे रिक्वेस्ट गई तो यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स आ गया पहला, ये पहला रिस्पॉन्स आया अच्छा। उसके बाद ये फॉर्म रिक्वेस्ट गई, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या आया, ये रिस्पॉन्स आया, इसका मतलब लॉगिन नहीं हुआ, एंटर बाय लॉगिन प्लीज़ प्रोवाइड यूज़र नेम उसने दिए ही नहीं है उसको। यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम का है, यूज़र नेम नहीं दिया हमने उसको, यहाँ देखिए CSRF टोकन हमने दिए, यहाँ पे गलती कहाँ हुई है,
यूज़र नेम इज इक्वल टू यासिर है, यू एस ई आर, जो हाँ देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, यू एस ई आर यूज़र ए एन एम ई लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, ये यू एस ई आर यूज़र नेम। अब ये मुझे कैसे पता स्पेलिंग यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, यूज़र नेम 1 2 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसके लॉगिन के पेज पे अगर आप व्यू पे या स्क्रॉल दबा दो, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र नेम पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखिए नेम में क्या लिखा है, यू एस ई आर यूज़र एन ए एम ई नेम, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यू एस ई आर यूज़र एन ए एम ई नेम, बस। अब ठीक, अब आप इसको चलाओगे, अब वो लॉगिन करेगा, ठीक है। देखिए अब ये लॉगिन हो गया, पहले उसने रिक्वेस्ट ये भेजी, लॉगिन हुआ, ठीक है। फिर दोबारा उसने जीर्स पैपिड और फॉर्म रिक्वेस्ट की, उसमें डाटा वगैरह भेजा, तो अब देखिए उसके पास ये वाला पेज होगा, ठीक है। तो ये आप देखें, ये ऑटो लॉगिन हुआ यहाँ, अब हमने इसको स्क्रैप करना है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ये काम करते हैं। तो ये बेसिकली कौन सी रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो ये हमने पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ से, तो इस तरीके से ये हमने काम किया, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले जब भी आपने किसी वेबसाइट को स्क्रैप करना है या कोई भी आपने उसको काम करना है, पहले उस अपने वेबसाइट को एनालाइज करना है। जिस तरह पहले इस वेबसाइट को मैंने एनालाइज किया 12 करके, फिर यहाँ पे मैंने यूज़र नेम दिया, फिर मैंने पासवर्ड दिया, फिर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखें ये डाटा जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा, देखें यहाँ पे देखें, पोस्ट रिक्वेस्ट गई है, एसटीएफ यूज़र नेम दिया, पासवर्ड मैंने एएसटीएफ दिया, ये सिर्फ टोकन दिया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करके भी आप दे सकते हो, या प्रॉपर इस तरह फॉर्म इस तरह आ जाता है, तो ये आपका, ठीक है। यहाँ पे बता भी रहा है व्यू यूआरएल एनकोडेड, ठीक है। तो ये यूआरएल में एनकोड होके जा रहा होता है डाटा, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे ये कर लिया, ये बेसिक स्पाइडर था। अभी हम दूसरा करते हैं क्रॉल स्पाइडर, ठीक है। क्रॉल स्पाइडर के थ्रू हम कैसे करेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी जो उनसे ना हो गई है, अभी हम करते हैं। अब देखें ये स्पाइडर कैसे बनाया था, ये बनाया था हमने स्क्रैपी जेन स्पाइडर, और स्पाइडर का नाम लिख दिया था स्पाइडर, जो भी नाम है, और आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं एक्स वाई जी कोई भी, ठीक है। तो क्रॉस स्पाइडर के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल आपने क्या करना है, स्क्रैपी जेन स्पाइडर डैश टी लगा दें। अगर आपने लिस्ट देखनी है तो डैश एल करके एंटर करें, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपके पास, जो बेसिक क्रॉल सी एस फील एग्जाम्पल फील, किस किस्म का स्पाइडर आपने बनाना। तो नॉर्मल हम स्पेसिफाई नहीं करते टेम्पलेट, तो वो बेसिक पे बना देता है, हमने बनाना है। तो आप डैश टी कर दें, डैश टी के बाद उस स्पाइडर का टेम्पलेट बताएं, क्रॉल बनाना, तो यार डब्ल्यू एल क्रॉल लिख दें, और यहाँ पे लिख देते हैं माई सी आर एल क्रॉल, माई क्रॉल एस स्पाइडर, और साथ एक्स दे दे, वाई दे दे, जो भी दे दे, ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया, क्रिएटिव स्पाइडर इतना यूजिंग टेम्पलेट क्रॉल, क्रॉल से कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माई क्रॉल स्पाइडर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें उसने देखिए ये बेसिक स्पाइडर था, ठीक है। बेसिक स्पाइडर में क्या था, देखिए इम्पोर्ट स्क्रैपी और ये तो हमने खुद किया, यहाँ पे देखिए स्क्रैपी डॉट लिंक एक्सट्रैक्टर एक हो रहा है, स्क्रैपी डॉट स्पाइडर हो रहा है, क्रॉल स्पाइडर हो रहा है, रूल हो रहा है, तो दो तीन चार चीज़ें इसमें नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि एक वेबसाइट है हमारे पास, वो है पोस्ट बुक्स टू स्क्रैप, ठीक है। ये बेसिकली वो वेबसाइट है जो उसके लिए बनी है, स्क्रैपिंग अगर आपने सीखनी है उसके लिए बनी हुई है, ठीक है। वही लव बीइंग स्क्रैप, ठीक है। तो ये बनी इसीलिए कि आप इनको स्क्रैप करो और आप सीखो उससे, ठीक है, डमी वेबसाइट। तो जैसे इस वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं तो देखें अब इस वेबसाइट के टोटल कितने 1000 रिजल्ट हैं, लेकिन अभी शो कितने हो रहे हैं, शो हो रहे हैं 20 रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आप एक काम करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि ये जितनी भी बुक्स हैं, जितनी बुक्स हैं यहाँ पे दी हुई हैं, उस पर आप सिर्फ क्लिक करते हो, उसके बाद क्लिक करने के बाद आप कहते हो जो इसके टाइटल हैं, प्राइस है, स्टॉक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए 1000 की 1000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करो, ये सिंपल अगर आप इसकी ले लो, इसको आप कॉपी कर लो क्योंकि ये आपकी वेबसाइट है, और आप क्या करो इसको यहाँ पर स्टार्ट क्यों रहा, देखो स्टार्ट, हम स्टार्ट रिक्वेस्ट नहीं बना रहे, डायरेक्टली हम यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। और इस क्रॉस पैटर्न में रिस्पॉन्स किस पे जाता है, पास आइटम पे जाता है, यहाँ पे देखिए पास कॉल बैक किस पे, पास आइटम पर। और डोमेन आपने क्या देनी है, डोमेन में आपने ये आखिर वाला फॉर्मेट हटा देना है, और ये एच टी टी पी एस पे हटा देना, तो ये डोमेन के शामिल नहीं है, ठीक
ये बुक्स डॉट टू स्क्रैप डॉट कॉम डोमेन आपने ये लेना है कि इसी डोमेन में रहते हुए आपने, अगर कोई ऐसा लिंक आ गया जो गूगल की तरफ या किसी ट्विटर की तरफ जाता हो तो हमारा स्पाइडर उन वेबसाइट पर चला जाएगा, वहाँ पर फिर ये ढूंढता रहेगा। तो हमने कहना है कि इस डोमेन के अंदर अंदर कहीं, तो हम अलाउड डोमेन दे देते, स्टार्ट यूआरएल हमने ये दे दिया, ठीक है। तो आगे मतलब अच्छा, अब हमने क्या किया, ये कर लिया। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, अब हमने करना है क्या, टास्क क्या है हमारा, टास्क हमारा ये है कि ये ईच यूआरएल पे जाए, हर एक यूआरएल पे जाए, और यूआरएल पे जाने के बाद ये उसका टाइटल प्राइस स्टॉक, ये फॉर एग्जाम्पल ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ शो करवाने के लिए सिर्फ आपको टाइटल दिखाऊंगा, बाकी प्राइस ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा, यहीं पर मैं ओपन कर लेता हूँ बुक्स टू डॉट टू स्क्रैप, यहाँ पर मैं F12 करता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी इन लिंक्स को मैंने ओपन करना, इसको इन तमाम लिंक्स को मैंने ओपन करना, और इन लिंक्स पे जाकर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इन लिंक्स का मैं देख लेता हूँ कि इन लिंक्स के ऊपर हमारे पास इसका एक्स पाथ क्या है। तो मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, हमें पता चला H3 है और A लिंक है, फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड स्लैश दिया, ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश दिया, H3 दिया, फॉरवर्ड स्लैश दिया, A दे दिया, तो ये A लिंक आ गया, ठीक है। इस लिंक के ऊपर आपने जाना है, तो मैं कहता हूँ ये कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना रूल दिया हुआ है, इसमें एक रूल है, रूल क्या कहता है कि आपने ना यहाँ पर हम देना चाहे जो करें अलाउ आर आइटम्स फॉरवर्ड स्लैश, कह रहे हैं कि आपने सिर्फ वो वाले लिंक्स क्रॉल करने हैं जिनके यूआरएल में आइटम्स आ रहे हैं। तो हमारा तो कोई ऐसा है नहीं यूआरएल, ठीक है, जिसके में आइटम्स आ रहा हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक दिया हुआ। तो हम यहाँ पे कहेंगे जी हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें हमारा जो रूल है, हमारा रूल ये है कि हमने ये करना है कि हमने इस सिंगल सिंगल लिंक्स पे जाना है, और उस लिंक्स पे जाकर हमने ये इन्फॉर्मेशन गेट करनी है। तो हमारा रूल ये है कि हम कहते हैं आपने रिस्ट्रिक्ट रहना है इस लिंक पे, इस लिंक कोई और लिंक्स दिए हुए उन लिंक्स को नहीं करना, क्योंकि ये क्रॉल स्पाइडर है तमाम लिंक्स को ये कर लेगा। तो हमने कहना है कि रिस्ट्रिक्ट रहना है, आपने सिर्फ ये वाले लिंक को क्रॉल करना है, बस जो मैं एक्स पाथ पे दूंगा ना उन्हीं को करना है। तो यहाँ पे हम कोई रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इस रूल को डिलीट कर देता हूँ कि ये रूल हमें नहीं चाहिए, हमें रूल चाहिए कौन कौन से रूल करने हैं। आप कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे अलाउ का डूबे, अब इसमें अलाउ यहाँ पे लगा हुआ था कि अगर लिंक के अंदर ये वाली चीज़ लिखी हो, डिनाई का मतलब होता है कि ये लिखी है तो ये नहीं करनी, ठीक है, बाकी सब कर रही है। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट एक्स पाथ के थ्रू भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ RES लिखूंगा ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स पाथ के थ्रू मैं कहता हूँ रिस्ट्रिक्ट रहना है आपने, और उसको कहना है सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन जो मर्जी दे रहे हैं आप, और उसके अंदर मैं कहता हूँ आपने इसके इस लिंक में रिस्ट्रिक्ट रहना, ठीक है। और कॉल बैक क्या है, पार्स आइटम, और फॉलो आपने क्या करना है, फॉलो करना है यहाँ पे, तो मतलब फॉलो का मतलब क्या है कि जैसे ये वाले, क्योंकि इन लिंक्स को मैंने स्पेसिफाई किया ना, ये तो मैंने कहा कि इस पे क्लिक अगर कोई करे, ठीक है, क्लिक करके अगर ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है, इस पेज पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक और यहाँ पे HRF ये एक और दिया हुआ है H3 के अंदर, ये तो फॉलो अगर ट्रू कर दिया तो उसको भी करेगा, और इस पे जाके इस पे भी दोबारा क्लिक कर देगा, और ये वाली इन्फॉर्मेशन फिर गेट कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, कहूँ सिर्फ ये वाला एक आता है लिंक, ये वाला सिर्फ स्कैप कर, ठीक है। तो उस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉलो का करते हैं, फॉलो का हम करते हैं फॉल्स, क्या आपने इस लिंक को आगे सिर्फ आपने ये वाला जो मेन लिंक है इसको आपने इस पे आपने जाना है, इसके आगे इसको क्लिक करने के बाद जो लिंक्स आ रहे हैं HTTP उसको नहीं आपने फॉलो करना, एक आपने ये दे, अगर आप इस तरह दोगे ना तो आपके पास जस्ट 20 आइटम्स आएंगे, ठीक है। बुक्स डॉट स्क्रैप डॉट कॉम पे यहाँ पे देखें कितने आइटम है, 100 रिजल्ट हैं, लेकिन अभी कितने शो हो रहे हैं इस लिंक पे, कितने शो हो रहे हैं इस लिंक पे, सिर्फ शो हो रहे हैं 1 to 20, 1 to 20, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा शो करते हैं ये कम क्या है, आगे हम देखते हैं कि उसको पास कैसे करते हैं। इसको फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, अब मैं इसको ज़रा शो करवाता हूँ आपको कि यहाँ पे देखें क्या कर रहा है ये। यहाँ पर बेसिकली ये अलाउड डोमेन है, जैसे ही मैं इसको स्पाइडर को चलाऊंगा तो इस यूआरएल पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा स्टार्ट यूआरएल,
रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर इन इन पाथ में रिस्ट्रिक्ट रहेगा, और फिर इन इन पाथ के अंदर जाकर उन पे क्लिक करेगा। जो भी पाथ है, ये H3 वाले पाथ है, इन इन पे जाके वो क्लिक करेगा और ये वाला पेज हमें ओपन करेगा, और यहाँ पे जाके डेटा को गेट करना है तो गेट करेगा। तो यहाँ पे इसको शो करते हैं कि क्या वाकई ऐसे ही कर रहा है। तो यहाँ पे मैं शो करवाने के लिए क्या कर लेता हूँ, फ्रॉम स्क्रैपी डॉट ट्यूपल्स डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है, और इम्पोर्ट ओपन ब्राउजर। तो मैं कहता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये ब्राउजर में शो करो। मैं कह रहा हूँ कि ये जो अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वाकई इस तरह हमारा स्क्रैपर काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं ना इसको यहाँ पे रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पीड में काम करता है, बार बार इतने टैब्स ओपन करते, तो मैं ये रोकने के लिए यहाँ इनपुट लगा देता हूँ ताकि मेरा जो स्क्रैपर इनपुट पे आकर रुक जाए। तो यहाँ पे लिखो प्लीज एंटर वैल्यू, वैसे ही भूमि दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे आके हमारा स्क्रैपर रुक जाए, एंटर वैल्यू करे। जैसे ही वैल्यू एंटर करेगा दोबारा फिर वो जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा हमारा स्क्रैपर यहाँ रुक जाएगा सिर्फ शो करवाने के लिए। अदरवाइज तो इतना तेज़ी से प्रोसेस होगा कि वो चीज़ें समझ नहीं आती। तो यहाँ पे आप स्क्रैपर को चलाना है, अब तो कैसे चलाएंगे इसको, स्पाइडर को, स्क्रैपी रन SPID स्पाइडर, और रन स्पाइडर के बाद माई क्रॉल, और ये वाला माई CRAW, ठीक है, ये, और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, अभी देखते हैं, ठीक है, इस पे रिक्वेस्ट की है, ये देखें इसने ये पेज ओपन कर दिया। अब कैसे किया इसने देखें, ये बुक्स डॉट स्क्रैप डॉट कॉम, इस पे रिक्वेस्ट की है, मैं सारे टैब्स बंद कर देता हूँ। ये मेन वेबसाइट मैंने दी हुई है, ठीक है, ये वेबसाइट मैंने इसको यहाँ पे दी हुई है, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे वो गया है। फिर उसने उस वेबसाइट पे जाके इस एक्स पाथ को उसने क्या किया, क्रॉल किया H3A वाले को, तो इसी में वो रिस्ट्रिक्ट हुआ। अब इसमें H3A कौन से हैं, अगर आप देखो तो ये सारे H3A हैं, ये सारे, इस पे आप क्लिक करें तो ये देखें ये H3 और H3 के अंदर ये A। अब इस लिंक को उस पर ने क्लिक किया है और इसका जो रिस्पॉन्स है अभी यहाँ पे आपको शो होगा, ये वाला रिस्पॉन्स उसने आपको शो किया यहाँ पर, अगर मैं ये वाला, ठीक है, ये स्क्रैपी क्योंकि रेंडमली करता है, कोई और को जरूर नहीं है पहले वाले कोई करे, ठीक है, हो सकता है किसी और को भी कर सकता है। तो अब दोबारा मैं, आप देखो मेरा स्क्रैपर यहाँ पे रुक गया है, रुक क्यों गया है, यहाँ पे देखो कह रहा है प्लीज़ एंटर वैल्यू, इनपुट इनपुट पे आकर रुक गया। यहाँ पे मैं देता हूँ कोई भी वैल्यू देता हूँ 25, दोबारा कर दो, देखिए दोबारा एक पेज उसने ओपन कर दिया, उसी लिंक पे गया है वो, ठीक है, इसमें जितने लिंक्स हैं उस पे गया है, उसको उसने ओपन किया। तो टोटल कितने लिंक्स हैं, ये 20 लिंक्स हैं पेज पे। मुझे कैसे पता, बुक्स डॉट स्क्रैप डॉट 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 कॉम पर जाओ तो 1 of 20 शो कर रहे हैं। बेशक आप F12 करके यहाँ पे अगर आप करके H3 और A करोगे तो यहाँ पे देखो इसको टोटल कितने, 1 of 20, तो 20 है ये, तो 20 के 20 जो उनसे है ना, ये इनको करेगा। फिर यहाँ पे आके रुक गया, फिर एंटर किया, फिर उसने देखे अगला ओपन कर दिया। तो इस तरह करके ये सारे ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं इसको बंद करने के लिए, अब जो मुझे सारा चलाना पड़ेगा तो मैं कंट्रोल सी बार बार दबाऊंगा ना, 2-3 दफ़ा कंट्रोल सी, तो यहाँ पे स्पाइडर मेरा रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, ये क्लियर है। अब इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि मैंने सिर्फ 20 नहीं करने, मैं तो कह रहा हूँ कि 100 के 100, 1000 के 1000 सारे करने, मैंने ये सारे, मैं ये सब करना चाह रहा हूँ। तो सारे अगर करने हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पे देखें नीचे एक तो है, हम URL को देखें, यहाँ पे फॉर लूप लगा के उस पर करके निकाल सकते, ठीक है। तो दूसरा क्या तरीका है कि यहाँ पे देखें नेक्स्ट का एक बटन है, F12 अगर आप दबाएँ, ठीक है, और यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें इसका एक आ रहा है, इसका एक और लिंक आ रहा है नेक्स्ट। अब इसके लिए हमने स्पेसिफिक करना है, इसकी क्लास क्या नेक्स्ट और उसके अंदर लिंक क्या, हमने ये लिंक ऐड करना है। कंट्रोल एफ दबाएं, फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो मैंने करना कौन सा, किधर की वो ये क्लास है, इसके आप क्लिक करें ना, ये देखिए ये क्लास है और ये इसके अंदर ए है। तो मैं कहता हूँ ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, पूरा डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में इसको सर्च करें, एट द रेट
क्लास इज इक्वल टू, क्लास का नाम क्या है? नेक्स्ट। मुझे कैसे पता? यहाँ मैंने, मुझे पता है क्लास क्या है, ये एट्रीब्यूट है, तो एट द रेट क्लास। वहाँ पे देखिए एट द रेट वैल्यू था या एट द रेट CSF टोकन था, तो मैं सिर्फ टोकन दिखा रहा, उसकी वैल्यू दे दी कि नहीं दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी, अब ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसका चाइल्ड चाहिए, इसको फॉरवर्ड स्लैश ए कर दे, तो इसका चाइल्ड आ गया, ठीक है। तो ये एक लिंक है कैटलॉग पेज टू डॉट एच टी एम एल। मैं कहता हूँ जी इस लिंक को कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पर ये रूल एक्सट्रैक्टर है ना, तो यहाँ पे एक और रूल बना दो। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी और इसको मैं एंटर कर लूँ, तो यहाँ पे एक और रूल बना दूँ, रूल लिंक एक्सट्रैक्टर, और एक्स पाथ क्या दे दूँ मैं, एक्स पाथ उसको ये वाला दे दूँ। अब आपने क्या करना है, ये एक्स पाथ कितना लंबा क्यों रखना होगा? अच्छा दोबारा से शुरू हो गया, सॉरी, यहाँ से इसको कॉपी करना है, ये वाला एक्स पाथ कॉपी करना है, इसको हम यहाँ पेस्ट करूँगा मैं, ठीक है। और इसका कॉल बैक, इसको कॉल बैक पास आइटम नहीं करना, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉल बैक खत्म कर दूंगा। ये कॉल बैक खत्म क्यों किया है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, कॉल बैक सिर्फ उसी पे हो, मतलब कॉल बैक क्या करती है कि जब इसका इस पे आपने जब आएगा, तो फिर आपने ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो ये H3A का मतलब ये है कि इस पे जब क्लिक होगा ना, इस H3A पे, तो ये वाला आपको पता है लिंक ओपन होगा, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी हमने तो बेसिकली वो गेट करनी, हमने ये टाइटल गेट करना है, प्राइस गेट करनी, तो इस रिस्पॉन्स को गेट करना है। ये तो हम इसलिए लगवा रहे हैं ताकि वो आगे अगले लिंक्स को भी क्या करे वो, क्योंकि यहाँ पे करते हैं H3 है, तो एक पेज पे कितने हैं, एक पेज पे तो सिर्फ 20 लिंक्स हैं, हमें 1000 चाहिए, तो हमने उसको साथ एक और दे दिया कि इस पाथ को भी, इस पाथ को रिस्ट्रिक्ट करो और साथ साथ इस पे भी जाओ, इन लिंक एक्सट्रैक्टर, देखो एक और लिंक एक्सट्रैक्टर लगा दिया कि इस पेज पे जाओ और इस पेज पे फिर जितने लिंक्स हैं उन तमाम को देखो, फिर अगले पेज पे जाओ फिर देखो, और इसको फॉलो क्या कर देना है, फॉलो इसको ट्रू कर देना। अब फॉल्स करके देखते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। मेरे ख्याल में इसको ट्रू होना चाहिए, क्यों ट्रू किया है कि इसके एक पे क्लिक करे, तो उसके बाद जितने आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हैं उनको भी क्या करे, उन तमाम को ये क्रॉल करे, ठीक है। तो ये फॉलो ट्रू कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे ना, तो अब ये 2 1000 के 1000 तमाम के तमाम को करे क्रॉल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जस्ट F12 दबाता हूँ, ठीक है, और सिर्फ सिर्फ इसका टाइटल लेके आपको शो करवा देता हूँ, इसका टाइटल, तो टाइटल H1 में है, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश H1, तो सिर्फ मैं अभी इसका H1, बाकी आप ये इन्फॉर्मेशन भी गेट कर सकते हैं। तो मैं H1 कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ रिस्पॉन्स की इनपुट के बजाय यहाँ दे देता हूँ टाइटल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ, ठीक है, कि इस एक्स पाथ पे जाओ और डॉट गेट करो, ठीक है, ये वाली होगी। अब इसको क्या करना है, हमने यील्ड करना है, यील्ड होता है अगर आपने फाइल पर आए प्रिंट कराना है तो प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा टोटल कितने प्रिंट हुए, तो यहाँ पर आप कर दो की टाइटल और वैल्यू आप दे दो, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे। अब ये हो क्या रहा है, बुक डॉट स्क्रैप डॉट कॉम पर जाएगा, यहाँ पे रूल एक्सट्रैक्टर में लिंक एक्सट्रैक्टर को हमने क्या किया, H3A वो करे, ठीक है, और फिर इसका क्या करे, इसका जो रिस्पॉन्स है कॉल बैक वो पास आइटम पे दे, फिर पास आइटम पे जाएगा, ये ऊपर ब्राउजर में ख़त्म कर, तो उसको मैं कमेंट कर दूँ, लेकिन ब्राउजर ओपन करेंगे 1000 ब्राउजर ओपन हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे उस रिस्पॉन्स पे जाके उसका एक्स पाथ H1 ले, क्योंकि मुझे पता है H3A पे जब क्लिक करेगा ना तो वो इस पेज पे पहुँच जाएगा, ठीक है, इस पेज पे पहुंचेगा, इस पेज पे मैंने सिर्फ टाइटल लिखा, इस पेज पे पहुंचने के बाद मैंने उसका एक्स पाथ दिया हुआ है ये, और इसको मैंने क्या दिया जील। अब मैं इसको उसमें भी राइट करवा दूंगा किसी फाइल में, ठीक है, फिर दोबारा क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो अगले पेज पे नेक्स्ट पे जाएगा, फिर वहाँ पे H3A जितने होंगे, फिर उसके रिस्पॉन्स में सारा वो कर देगा, ठीक है, इस तरह करके ये वर्किंग करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने किसी फाइल में सेव कराना हो ना, फिर हमें क्रॉल की जरूरत पड़ती है, फिर हम रन स्पाइडर, मैंने तो इनके बीच चला के देखा, शायद रन स्पाइडर से भी होता हो, लेकिन मैं तो हमेशा क्रॉल से ही करता हूँ, और मेरे ख्याल में क्रॉल से ही होता है, रन स्पाइडर से जब शो कर सकते हैं, फाइल पर राइट करना हो तो हमें क्रॉल की कमांड यूज़ करनी पड़ती है, तो स्क्रैपी क्रॉल, और किस स्पाइडर को ओपन करना है,
माई पी आर ए, ये सारा, और डॉट पाए हटा दें और ये वाला भी हटा दें, क्योंकि ये जब हम क्रॉल के साथ लगाते हैं ना वर्किंग नहीं करता। फिर डैश ओ और फिर आप यहाँ लिख दें फॉर एग्जाम्पल यासी डॉट जेसन, ठीक है, यासी डॉट जेसन लिख दी। अब मैं इस पर क्लिक कर एंटर करके फिर चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे ये कर रहा हूँ, लिंक एक्सेप्टर लिख दिया है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, इसको मैंने फॉलो ट्रू कर दिया है, और ये एक्सपायर दे दिया है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। मैं अभी तो कॉमा देना या नहीं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक नहीं देना। अब मैं इसको चलाता हूँ, पास आइटम में आगे सेल्फ डॉट पास, सॉल्व पास आइटम टाइटल दे दिया और रीड करा दिया टाइटल, हाँ ठीक। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, अब ये गया इसको, ठीक है, अब देखा इसने स्क्रैपिंग करना शुरू कर दिए, अब देखते हैं ये टोटल कितने स्क्रैप करता है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ा सा ये जो है ना करेगा इसको फिलहाल। अच्छा, अब ये मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, अब ये देखिए आइटम स्क्रैप कितने की है, 1000, पूरे के पूरे 1000 कर दिया। अगर आप साइज जैसन की फाइल देखो तो यहाँ पे आप चेक करो, ये देखिए 1000 वन ऊपर एक छोड़ा रोज दे, तो ये पूरा 1000 इसने स्क्रैप किया, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, और वेबसाइट पे अगर आप देखो तो टोटल कितने 1000 रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम अगर फॉल्स करके देखें, अगर हम इसको फॉलो को फॉल्स करते हैं फिर क्या चल शो करता है। यहाँ पे यासिर वन की फाइल बना लेता हूँ, अब चेक करता हूँ, ये जनाब इधर गया, ये अब देखें जस्ट आइटम 20 स्क्रैप की, ठीक है। तो फॉलो का क्या क्या मतलब है कि वो जो अगले पेज के ऊपर जो ए है पर उसको नहीं फॉलो करा, बस एक तक ही रहना। उसका मतलब क्या है कि उसने क्या किया है, यहाँ पर आया है वो, उसने एक दफ़ा नेक्स्ट पे क्लिक किया, नहीं तो स्क्रैप कर लिया, ठीक है, इसको क्लिक किया उसने बस, और फिर वो रुक गया, ठीक है। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट था उसको उसने नहीं चेक किया, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आ रहा है उसको बिल्कुल उसने देखा ही नहीं, क्योंकि फॉलो हमने क्या कर दिया था, फॉलो हमने फॉल्स कर दिया। इस तरह यहाँ पे हमने फॉलो फॉल्स कर दिया, यहाँ तो हमें फॉलो फॉल्स ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे S3 पे जाए उसके बाद जितने लिंक्स हैं उनको हमने नहीं करना क्रॉल, लेकिन जहाँ पे जो नेक्स्ट लिंक है इसको तो हमने बार बार क्रॉल करना है, तो उसको लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया, ठीक है। तो ये आज हमने क्या देखा, हमने क्रॉल स्पाइडर को देखा, ठीक है, उसकी बेसिक चीज़ें कुछ चेक की हैं, और बाकी हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को देखा है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर हमने कोई फॉर्म, अभी तो सिर्फ लॉगिन वाला था, कुछ ज़्यादा फॉर्म है तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है।